हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए किसी भी मशीन के अंदर किन किन पार्टीशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प लूंगा। जैसे कि अगर आप किसी भी मशीन के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस मशीन के अंदर किन किन पार्टीशंस की रिक्वायरमेंट होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, वो मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला जो पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रूट पार्टीशन, जो कि फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन के अंदर, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सी ड्राइव के अंदर जाकर सेव होती है, और सी ड्राइव जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम पार्टीशन होता है या सिस्टम वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। इसी तरह दोस्तों, जब हम लोग किसी भी मशीन के अंदर कोई भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो रूट नाम के पार्टीशन के अंदर सेव होती है, और रूट पार्टीशन जो होता है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम पार्टीशन होता है, जिसके अंदर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव होती है, और रूट पार्टीशन जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बूट पार्टीशन। दोस्तों, बूट पार्टीशन जो है वो रूट पार्टीशन के अंदर एक बूट डायरेक्टरी के साथ माउंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और बूट पार्टीशन के अंदर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल सेव होती है। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल कौन कौन सी होती है वो देखिए जरा। अगर आप RHEL5 यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग बूटिंग फाइल यूज करते हैं लीलो एंड ग्रब। लीलो स्टैंड फॉर लाइनेक्स लोडर एंड ग्रब स्टैंड फॉर ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। इसी तरह RHEL6 की जो बूटिंग फाइल होती है वो होती है ग्रब, लेकिन RHEL7 के अंदर जो बूटिंग फाइल यूज की जा रही है वो है ग्रब 2, और ये बूटिंग फाइल जो है ये बूट पार्टीशन के अंदर सेव होती है। थर्ड होता है स्वैप पार्टीशन। दोस्तों, स्वैप पार्टीशन जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है वर्चुअल मेमोरी के लिए, और वर्चुअल मेमोरी उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं जब हमारी मशीन के अंदर रैम जो है वो फुल हो जाती है और अनदर एप्लीकेशन या अनदर प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन में मशीन क्या करती है कि हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस जो है वो टेम्परेरी बेस पर यूटिलाइज कर लेती है, ताकि आपकी एप्लीकेशंस जो है, आपके प्रोग्राम्स जो है, या फिर आपकी फाइल्स जो है वो रन किए जा सके, जिस पर्पस के लिए हम लोग स्वैप पार्टीशन यूज करते हैं। वर्चुअल मेमोरी जो है ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग यूज करते हैं स्वैप पार्टीशन। अब रेडट जो है वो ये रिकमेंड करता है कि जो रैम आप या जितने जितनी रैम आप यूज कर रहे हो मशीन के अंदर, उससे जस्ट डबल स्वैप पार्टीशन होना चाहिए। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर हम लोग अपनी मशीन के अंदर
1 GB रैम यूज कर रहे हैं, तो आपकी मशीन के अंदर जो आप स्वैप पार्टीशन क्रिएट करोगे वो 2 GB का स्वैप पार्टीशन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ये रिकमेंडेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 GB ही क्रिएट करना है, आप इससे ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हो या इससे आप कम भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन रेडिट रिकमेंड करता है कि जो भी आप रैम यूज कर रहे हैं उससे जस्ट डबल स्वैप पार्टीशन क्रिएट होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 पार्टीशंस होते हैं, रूट, बूट एंड स्वैप। जिस भी मशीन के अंदर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं उस मशीन के अंदर ये 3 पार्टीशन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे।